पिरामिड्स के अंदर उनकी लाशें दफन होती थी जब वो मरते थे, तो अपने सारे जेवर, उनका ये बिलीव था कि जब हम कितना टाइम, कितना मेहनत, कितनी सारी चीज़ें लगी होगी, कितने लोग मरे होंगे ये बनाने के चक्कर में। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो टूर हो गया है कंप्लीट, जैसा आप पिछले वीडियो में देख रहे होंगे, टूर कर रहे थे, पूरा आगे तक घूम के आ चुके हैं। अब वापस पिरामिड्स के एकदम नज़दीक आ गया हूँ। अब मैं बताता हूँ आपको यहाँ की हिस्ट्री। तो मैं इस वक्त मौजूद हूँ द ग्रेट पिरामिड्स पे, जो कि तकरीबन 4,500 से 5,500 साल पुराना है। तो आप सोच सकते हो इतने साल से अभी तक वो वैसे ही खड़ा है। और ऐसे ही इजिप्ट में ऐसा लगता था कि गीजा में सिर्फ 3 पिरामिड थे, जबकि यहाँ 9 पिरामिड थे, जो आपको पहले ही बता चुका हूँ। और इजिप्ट में अगर देखें तो पूरे 139 पिरामिड थे। और सबसे बड़ा पिरामिड आप देख सकते हो, यह खोफू है। इसमें ये इतना बड़ा है कि अमेरिका में जो एम्पायर स्टेट बिल्डिंग है वैसी 10 बिल्डिंग इसमें बन सकती है। बाद दूसरे नंबर पर आते हैं ये खफरा, उसके बाद तीसरा नंबर मनकरा, और छोटे छोटे बाकी और 6 हैं। पिरामिड सूडान में भी पाए जाते हैं। यहाँ टोटल 9 पिरामिड्स हैं। वहाँ आप स्पिनिक्स भी देख सकते हो, जो ये 2 है यहाँ इजिप्ट में, ये 2 है। और पिरामिड्स टोटल पूरे इजिप्ट में 138 है, जिसमें से सबसे बड़ा आपको तो बता चुका हूँ ये खुफू है, जो खुफू बादशाह के लिए बना हुआ था। तो ये पिरामिड बेसिकली इसलिए बनाया जाता था, इसमें जब राजा मरता था तो उसको दफन करने के लिए बनाते थे। ये उनका ऐसा बिलीफ था कि जब हम मरते हैं तो हम जो हाल में मरेंगे वो हाल में वापस जिंदा होंगे। तो इसलिए आप जैसे ही मरते तो अपने साथ सोना, चांदी, बाकी सारी चीज़ें लेके मरते हैं। और बेसिकली कुछ काम आता नहीं था। जैसे ही वो राजा मरता था, जो दूसरा बादशाह आता था, जो दूसरा फेरो आता था, वो सारी चीज़ें निकाल लेता था, सारी चीज़ें वापस निकाल लेता था। मतलब आप सोच सकते हो कि कितना टाइम, कितना मेहनत, कितनी सारी चीज़ें लगी होगी, कितने लोग मरे होंगे ये बनाने के चक्कर में। 5,000 साल भाई, 5,000 साल कुछ होता है। अभी की बिल्डिंग तो 50 साल नहीं चलती, 5,000 साल से यहाँ खड़ा है। कितने तूफान, आंधी, अर्थक्वेक आएंगे, फिर भी ये टिका हुआ है। तो कितना मजबूत था। 3.5 मिलियन पत्थर लगे हुए हैं। 3.5 मिलियन पत्थर आप समझ सकते हो, 35 लाख पत्थर इसमें लगे हुए हैं। वो भी एक पत्थर आपको इसे समझ नहीं आएगा, ये आदमियों से बड़ा बड़ा एक पत्थर है। तो कितने कितने टन का एक पत्थर है। इसको यहाँ से जो सबसे नज़दीक पहाड़ है, सोच सकते हो आप, 600 किलोमीटर दूर है। तो वहाँ से कैसे लाए, क्या लाए, मैं साइंटिस्ट आज तक परेशान है कि कैसे हुआ, कैसे बना सकते थे इतना साल पहले। वो खुद शौक है, अभी तक किसी को एक पक्का एविडेंस ही, कुछ सबूत ही नहीं है कि कैसे बनाए, किसी को कुछ आइडिया ही नहीं है कैसे बनाए। मतलब दिमाग ही नहीं काम करता है। 5,000 साल पहले ऐसी वो चीज़ बनाए जो अभी तक टिकी हुई है, अभी तक टिकी हुई है। ये कुछ 150 मीटर, 500 फीट कुछ आता है कि ये सबसे बड़ा वाला जो खौफू है वो सबसे बड़ा 500 फीट लंबा है। तो अब सोच सकते हैं, आपको ऐसे वीडियो में समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन ये बहुत मैसिव है, बहुत बड़ा है। तकरीबन समझ लीजिए, मैं दूर से जब आया था कैरो सिटी में तो दूर से दिख गया था, मतलब क्या बताऊँ आपको, इतना बड़ा है। फिर आप ये तरफ देख सकते हो, स्पिनिक्स है, सारा रेगिस्तान है, वो तरफ कैरो गीजा शहर है पूरा, देख सकते हो आप वहाँ से। जैसे होटल पर आपको दिखाया, तो बहुत ही, तभी तो वंडर ऑफ द वर्ल्ड है। तो अब वक्त हो चला है यहाँ से चलने का। तो देख सकते हो आप यहाँ का पूरा नज़ारा। चलते हैं अब नीचे की तरफ, ये थोड़ा स्लोप में ऊपर पहाड़ की तरफ है, पहाड़ पे है जैसे। फिर आप यहाँ से नीचे उतर के देख सकते हो, सामने गीजा शहर पूरा दिख रहा हुआ है। यहाँ से मेरी होटल भी दिख रही होगी, अब क्या मालूम किधर है। तो देख सकते हो सारी चीज़ें, यूसुफ यहाँ फ़ोन पर बात कर रहा है। तो करते हैं यहाँ का टूर अभी ख़त्म। होप आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।